कि अपने 3 दिवसीय दुबई दौरे के दूसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कई बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस का शुभारंभ किया। ये कौशल प्रशिक्षण प्रमाणन और विदेशी रोजगार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य UAE में बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलपूर्ण भारतीय कार्यबल को तैयार करना है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि तेजस का प्रारंभिक लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कार्यबल के लिए 10,000 नौकरियां तैयार करना है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है रोजगार सृजन की अगर हम बात करते हैं, स्किलिंग की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने एक्सपो में भारतीय मंडप देखने पहुंचे आगंतुकों से भी बातचीत की। तो केंद्रीय मंत्री भारतीयों से बात करते हुए जहां पर उन्होंने भारतीय पवेलियन का दौरा किया, वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत की। और दृश्यों में आप देख सकते हैं कि कितनी अहम ये बातचीत है और कितनी उत्सुकता के साथ केंद्रीय मंत्री बातचीत कर रहे हैं वहां पर भारतीय पवेलियन में पहुंचे लोगों से। और अपने आप में ये बातचीत बेहद अहम हो जाती है जब वहाँ की ज़रूरतों को समझने की बात होती है, वहाँ पर किस तरह से स्किलिंग की जा सकती है इसकी बात होती है, रोज़गार सृजन की बात होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात होती है, और जो युवा शक्ति है उसके टैलेंट को किस तरह से पहचान के उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो स्किलिंग है वो की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है, उन्हीं लोगों से बात करके समझना इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बातचीत हो जाती है, ये दौरा हो जाता है और उनका भारतीय पवेलियन में जाना हो जाता है, लोगों से बातचीत हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है और बेहद महत्वपूर्ण ये रहने भी वाला है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने सऊदी अरब पवेलियन का भी दौरा किया जहां उन्होंने सऊदी अरब मंडप के आयुक्त जनरल हुसैन हनबाजा से मुलाकात की, साथ ही यहां कॉफ़ी का भी लुत्फ उठाया। सऊदी अरब 2022 को कॉफ़ी वर्ष मना रहा है, उन्होंने यहां ऊंट के चमड़े से बने बैग और सऊदी अरब के कपड़े को भी करीब से देखा, साथ ही सऊदी अरब के इतिहास और दशकों की यात्रा पर एक फिल्म का भी अवलोकन किया। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ के प्रचलन को जानते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से वहाँ पर जो रीति रिवाज हैं, जब दोनों देशों के संबंधों की हम बात करते हैं, उन्हें पारस्परिक रूप से बढ़ावा देने की बात करते हैं, उन्हें समझने की दृष्टि से, वहाँ की विशेषताओं को समझने की दृष्टि से ये काफ़ी अहम हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में संयुक्त अरब अमीरात पवेलियन का भी दौरा किया, तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री बात करते हुए विभिन्न अधिकारियों से, विभिन्न व्यक्तियों से जायज़ा लेते हुए पवेलियन का, और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो ख़ास चीज़ें हैं वहाँ की कला संस्कृति से जुड़ी हुई, वहाँ पर जो औद्योगिक विशेषताएँ हैं उनसे जुड़ी हुई, जो वहाँ पर विरासत है उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत उससे जुड़ी हुई, उसको जानते हुए समझते हुए आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पर जो विभिन्न प्रदर्शन किए गए हैं उनको छूकर भी देख रहे हैं, वहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और जो अहम गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, जब हम पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं और उन पारस्परिक संबंधों को आगे ले जाकर रोज़गार सृजन की बात करते हैं, और इस सृजन से जो दोनों देशों की अभी तक के ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें और सृजित करने की बात करते हैं, उन्हें और बढ़ाने की बात करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2020 में बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। तो ये बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करते हुए, और बेहद अहम ये इसलिए भी हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के भी ऐतिहासिक
पारंपरिक संबंध हैं और उन संबंधों की दिशा में दोनों देशों के बीच में किस तरह से और नई भागीदारी को, साझेदारी को जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को किस तरह से एक आधार दिया जा सकता है, किस तरह से विभिन्न स्रोत तलाशे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम युवाओं की बात करते हैं और मेडिकल क्षेत्र में बात करते हैं, तो ये अपने आप में बेहद अहम ये बातचीत हो जाती है। तो बेहद अहम कार्यक्रम जिनमें केंद्रीय मंत्री ने आज शिरकत की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कई बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत की। लगातार हम बता रहे हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की तो कई राजनेताओं से भी वे मिले। अनुराग ठाकुर ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। पहली मुलाकात मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ई विजन के सीईओ ओलिवियर ब्रैमली, हंगामा डिजिटल मीडिया के संस्थापक नीरज राय और टाटा प्ले के एमडी और सीईओ हरित नागपाल के साथ उनकी बैठक हुई, उनकी बातचीत हुई। तो किस तरह से इस क्षेत्र में भी विभिन्न संभावनाओं को तलाशा जा सकता है और जो सोर्स उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है, बेहद अहम ये बातचीत हो जाती है। ये